तो चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां एयर होस्टेस मौत मामले में एयर होस्टेस के पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेज दिया गया है। अनिशा बत्रा की मौत के मामले में आज कोर्ट पे पेश किया गया था और 14 दिन की पुलिस हिरासत पे भेजा गया है। साकेत कोर्ट ने 14 दिन की आरोपी पति मयंक संघवी हिरासत में भेजा है। एयर होस्टेस अनिशा बत्रा के पति को इस पूरे मामले में अब साकेत कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत है और इस पूरे मामले में इस मौत एयर होस्टेस की मौत के मामले में पति के ऊपर अनिशा बत्रा के परिजनों की तरफ से गंभीर आरोप लगे थे। दहेज हत्या का मामला भी दर्ज किया गया था और इस पूरे मामले को एयर होस्टेस के परिजनों की तरफ से सुसाइड नहीं बल्कि हत्या का मामला बताया जा रहा था। हमारी सहयोगी सुचित्रा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। सुचित्रा, क्या कुछ कोर्ट में हुआ, क्या कहा गया? देखिए, कोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर रिमांड की अगर बात होती, पुलिस ने रिमांड की डिमांड नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी जो भी पूछताछ थी वो पुलिस कर चुकी थी, इसलिए पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी की बात की थी। तो कोर्ट पे कोर्ट के सामने ये बात कोर्ट के समक्ष पेश की थी और कोर्ट ने इस पे सहमति जताई है और फिलहाल जो मयंक है उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी है, उस दौरान भी कई तरीके की पूछताछें होंगी तो उस दौरान शायद कोई बात जो है वो निकल कर सामने आए। तो अब ये जो सारा मैटर है ये जुडिशियल कस्टडी में चला गया है तो 14 डेज बाद ही इसमें कुछ और नया देखने को मिलेगा। सुचित्रा, या इस तरह से ये माना जाए कि जिस तरह से अनिशा बत्रा के परिजनों ने इस पूरे मामले को एक हत्या के तौर पर बताया था और जिस तरह से दहेज हत्या का मामला भी दर्ज करवाया था, तो क्या पुलिस उन सबूतों के आधार पर कोर्ट के भीतर ये एस्टेब्लिश करने में कामयाब रही और इसी के आधार पर शायद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी दे दी? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं ये साकेत। यहाँ पर काफी सारे सबूत जो है वो काफी सारे तथ्य पेश किए, हालांकि पुलिस की तरफ से रिवील तो नहीं किया गया लेकिन पुलिस का ये कहना था कि काफी सारे एविडेंस हैं जो यहाँ पर पेश किए गए। हालांकि पहला दृष्टया, अगर प्रथम दृष्टया बात करें तो ये हत्या का आत्महत्या का मामला लग रहा था, लेकिन बाद में अनिशा के जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से जो एलिगेशन लगाए गए कि शायद पहले से ये टॉर्चर हो रहा था। हालांकि इसके पहले भी बता दूं मैं शाकिर की, यहाँ पर हौसखास पुलिस स्टेशन में जो अनिशा के फादर हैं वो आए थे, जब बहुत लड़ाई झगड़ा इनके बीच में हुआ था तो उन्होंने पहले ही कंप्लेंट दायर की थी कि अगर मेरी बेटी को कुछ होता है तो इसके जो भी दोषी होंगे वो इनके ससुराल पक्ष के लोग होंगे, यानी कि इसके सास ससुर और जो हस्बैंड है जो भी लोग हैं वो होंगे तो उनको दोषी माना जाएगा। और ठीक 27 जून की अब बात है ये, उसके बाद इस तरीके का वाकया जो हो गया है, घटना जो घटित हो गई है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने सामने रखी कोर्ट के और अब फिलहाल मयंक को जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम जानकारी के लिए।